चीन और भारत की झड़प को लेकर चीन की तरफ से बयान सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षल। आइए आपको बताते हैं कि चीन ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा। चीन ने इस झड़प पर फिलहाल तो कुछ भी ज्यादा कहने से गुरेज ही किया है। चीन की तरफ से सिर्फ इतना ही कहा गया है कि अभी दोनों ही देशों के बीच सीमा पर स्थिति नियंत्रित बनी हुई है। हालांकि इस बात को लेकर तस्वीर कल ही साफ हो चुकी थी कि दोनों ही देशों की सीमा पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, लेकिन अब इस पर चीन ने बयान जारी कर इस बात पर मुहर लगा दी है। उधर भारतीय सैनिक भी सतर्क हो चुके हैं। हवाई मोर्चे पर भी भारतीय सैनिक अपने सुरक्षा उपकरण को दुरुस्त करने की तैयारी में जुट चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। इससे पहले साल 2020 के जून महीने में लद्दाख स्थिति गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें भी चीन को ही खासा नुकसान हुआ था। भारतीय सेना की तरफ से दिए गए मुंह तोड़ जवाब में चीन के कई सैनिक मारे गए थे, लेकिन शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों के मारे जाने की बात से इनकार किया था, लेकिन बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसीज ने चीन के इस झूठ का पर्दाफाश किया था। इतना ही नहीं, उन दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें शी जिनपिंग चीनी सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए दिखे थे। बहरहाल अब एक बार फिर से दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अब ऐसी स्थिति में दोनों ही देशों के सैन्य मोर्चे पर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।